स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एनसेफेलाइटिस या एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस मीन्स होता है इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, और एनसेफेलोपैथी एनसेफेलोपैथी डिस्क्राइब ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अल्टरेट मेंटल स्टेटस मैनिफेस्ट एज रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस और अल्टरेट बिहेवियर। मेनिंजोसेफेलाइटिस एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनिंजाइटिस एंड द वेरिएबल डिग्री ऑफ टिश्यू। एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट ऑनसेट फीवर, द चेंज मेंटल स्टेटस इंक्लूडिंग सिम्टम्स सच एज ए कंफ्यूजन, डिसोरिटेशन, कोमा, इनेबिलिटी ऑफ टॉक एंड और ए न्यू ऑनसेट सीजर्स इंक्लूडिंग सिंपल फाइब्रिल सीजर। एनसेफेलाइटिस टाइप्स, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन में एंटीबॉडी मेडिएट, एंड इन्फेक्शन में वायरल, बैक्टीरियल एंड अदर। वायरल में HSV, PZB, EBV, डेंगू, मीजल्स, रेबीज। बैक्टीरियल में MTP, डिस्टेरिया, मेस्कोप्लाज्मा, लेपी। अदर्स में मलेरिया, एमोबिक्स, हिक्रम टाइपस एंड TPN। अब लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ ES। वायरल में RNA वायरस, मम्स, रूबेला, रुबेला, एंटरोवायरस। DNA वायरस, हर्पस सिंप्लेक्स, साइटोमेगलोवायरस, एप्स्टीन बेयर वायरस। अर्थपोर्ट बोन वायरस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल, रेशियन, स्प्रिंग समर, इक्विन वायरसेस। बैक्टीरिया, लिस्टेरिया, लैम डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। पैरास्टिक सेरिब्रल मलेरिया, एमोबिक एनसेफेलाइटिस। अदर, रिकेटेसिया, स्लो वायरसेस, पीरोन इन्फेक्शन। इम्यून रिलेटेड, ADM, HIV, डेंगू। नॉन इफेक्टिव कॉज में इम्यून, एक्यूट डिसमेंटेड एनसेफेलोमेलाइटिस, ADM, पोस्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड, सिगेला, री सिंड्रोम, पोस्ट वैक्सीनेशन। एनसेफेलोपैथीज टॉक्सिक्स, हैवी मेटल, कैनबिस, कार्बन मोनोक्साइड। मेटाबॉलिक, डायबिटिक एसिडोसिस, यूरेमिक कोमा, हेपेटिक कोमा, न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, IEMS, माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, हाइपरनेट्रीमिया, एसिड बेस डिस्टर्बेंस। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनसेफेलाइटिस एंड एनसेफेलोपैथी। हेडेक में कॉमन होता है, इसमें अनकॉमन सीजर्स, फोकल एंड जनरलाइज्ड, और एनसेफेलोपैथी में जनरलाइज्ड। फोकल साइंस यूजुअली प्रेजेंट, यूजुअली एब्सेंट। फ्लूक्यूटेशंस यूजुअल एंड स्टडी। लीवर डिस्फंक्शंस कॉमन, अनकॉमन। ल्यूकोसाइटोसिस कॉमन, अनकॉमन। CSF, पिलियोसाइटोसिस कॉमन, एब्सेंट। EEG डिफ्यूज एंड फोकल, डिफ्यूज शोविंग। MRI एबनॉर्मल एंड यूजली नॉर्मल। वायरल एनसेफेलाइटिस एनसेफेलाइटिस क्लिनिक फीचर्स, फीवर, हेडेक, राइज्ड इंटरक्रैनियल टेंशन साइन, चेंज इन अल्टरनेट्स, ड्राउनेस, लेथार्जी, नेक्स्ट कोर्स सीजर्स, स्पीच डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, गेट चेंजेस, स्किन रैशेस, नेक्स्ट स्टिफनेस, फोटो सेंसिटिव। जापानीज एनसेफेलाइटिस सिंगल स्टैंडर्ड न्यूरोट्रॉपिक RNA वायरस, फिलीवरेट्स फैमिली, वेक्टर क्लूज, ट्राइटियो नारियनिडेसस एंड ब्रीड्स ऑन राइस फील्ड्स। इन्फेक्शन जोनेटिक विद पिक्स एंड एडिबिक बर्ड्स एंड चीफ होस्ट, मैनेज इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट। 1/4 केसेस इन इंडिया, हाई इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, पांडुचेरी, गोवा एंड MP। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 15 days। जापानी एनसेफेलाइटिस क्लिनिकल प्रेजेंट एबोरेटिव एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, सीवर एनसेफेलोमायलिटिस विद और विदाउट रेडिकुलाइटिस, सडन ऑनसेट विद हाई फीवर, वोमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, इरेप्टिबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेजेस प्रोडोमोडल एनसेफेलाइटिस, एक्यूट 3 to 4 days, सब एक्यूट 7 to 10 days, कन्वीनियंस 4 to 7 weeks। जापानीज एनसेफेलाइटिस प्रिवेंशन, एंटी मॉस्किटो मेजर्स, इनसेक्टियल स्प्रे, डेरवेस्टिन बेडनेट्स, रेपिलेंट्स, वैक्सीनेशन, माउस ब्रेन किल्ड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएट वैक्सीन ऐसे। ICU-51 वैक्सीन, आइसक्यूरो, इनएक्टिव एरो, सेल कल्चर ड्राइव, जापानीज वैक्सीन, एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, इंडियन स्ट्रेन वैक्सीन, कॉलर GENVSE, कैनबरी वैक्सीन, लाइव इंक्लूड विद प्री मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व जीन्स और येलो फीवर, 17D इन्फेक्शन क्लोन। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस एनसेफेलाइटिस लीडिंग कॉज ऑफ स्पोरैडिक एनसेफेलाइटिस, नॉन स्पेसिफिक प्रोडोन हेडेक, फीवर, वोमिटिंग, फॉलोड बाय अल्टरनेट कॉन्शियसनेस, फोकल एंड जनरलाइज्ड सीजर्स।
फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन, कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स डिसऑर्डर, स्टॉप बिहेवियर डिसऑर्डर, हेलुसिनेशंस एंड मेमोरी लॉस, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पॉलीसिस्टोसिस, न्यूरो इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक टेम्पोरल लोब सिग्नल चेंजेस विद MRI, मैनेजमेंट स्टेप्स, फर्स्ट रैपिड असेसमेंट स्टेबलाइजेशन ABCD, डिटेल हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन सैंपल, इन्वेस्टिगेशन, इंपेरिकल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। एयरवे फर्स्ट स्टेप रैपिड असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज एंड मेंटेन इंटुबेट इफ जीसी एट अबाउट 8 इम्पेयर्ड एयरवे रिफ्लेक्शंस, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, साइन ऑफ राइज ICP, ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 डेस्पाइट हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड फ्लूड रिस्पेक्टिव शॉक, ब्रीथिंग वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन सर्कुलेशन स्टेबलाइज IVSS, टैक सैंपल CBC, ब्लड शुगर KFT, LFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैस लैक्टेज PS, RDT, मलेरियस पैरासाइड, सोरोलॉजी फॉर पैरासिस, फ्लूड बोलस इन सर्कुलेटरी फेलियर 20 ml/kg NS, इनोट्रॉप्स इफ रिक्वायर्ड। डी डिसेबिलिटी रेफर्स टू सेल न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉर्टिकल फंक्शंस, आइडेंटिफाई साइन ऑफ सेरेब्रल हर्निएशन एंड राइज ICP। ई एक्सपोजर एग्जामिन अंडरस्टैंड एज फिजिबल टेम्परेचर, ट्रीट फीवर एंड हाइपोथर्मिया। देन नेक्स्ट डे ट्रीट आउट गोइंग सीजर्स बोनिजोमाइन फॉलोड बाय फेनोटाइन लीडिंग। अब है सेकेंड स्टेप डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन सैंपल, सैंपल S यानी साइन एंड सिम्टम, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, सीजर, एब्डोमिनल पोस्चरिंग। नेक्स्ट है अल्टरनेट बिहेवियर, कॉन्जेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, अल्टरनेट कॉन्शियसनेस, प्रोमोडल सिम्टम, फ्लू लाइक इलनेस, डायरिया, रास, वेसिकल्स, पास हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स। ए यानी एलर्जीज फॉर ड्रग्स, फूड्स, पेट्स, मेडिकेशन, ड्रग्स और टॉक्सिक एक्सपोजर, इंक्वायर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी ड्रग्स एट होम, कैंसर ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड इम्यूनोप्रेसमेंट ट्रीटमेंट। पी यानी पास्ट पार्लियामेंट मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज तो नहीं है, क्रॉनिक किडनी और लीवर डिजीज, अदर क्रॉनिक डिजीज इलनेस एग्जांपल जॉन्डिस है, हेपेटिक फेलियर है, निमोनिया है यानी हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी है, डायरिया, डिसेंट्री एनीमिया है, डिसेंट्री सीगेला एनसेफेलोपैथी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब IEMs, रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड रूरल, अर्बन, एंडेमिक सेरेब्रल मलेरिया और एपिडेमिक IES एंड नाइबरहुड, हिस्ट्री ऑफ एनिमल कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट बाइट, डॉग बाइट, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर, नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ। नेक्स्ट है एल यानी लास्ट ओरल इंटेक, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्रग एंड टॉक्सिक एक्सपोजर, इंक्वायर प्रेजेंस ऑफ एनी ड्रग्स एट होम। लास्ट है ई इवेंट्स लीडिंग टू प्रिवेंस इलनेस, रिसेंट हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, रिसेंट इम्यूनाइजेशन। अब स्टेप टू जिसमें जनरल फिजिशियन एग्जामिनेशन करते हैं, पेलर सेरेब्रल मलेरिया और इंट्राक्रैनियल ब्लीड, इक्टलस लेप्टोपिरोसिस, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी और सेरेब्रल मलेरिया, स्किन रैशेस इन मेनिंजोसीमिया, डेंगू, मीजल्स, वेरिसेला, रिकेटेसल डिजीज, एरबीवर डिजीज और एंटरोवायरल एनसेफेलोपैथीज, पेर्सी इन मेनिंजोसीमिया, डेंगू एंड वायरल हेमरेजिक एबीवर, पेरोटिड स्वेलिंग एंड ओरकाइटिस, मम्स एंड इटियोलॉजी, लेबिया हर्पस इन यंग चिल्ड्रन, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एंड सेफेलोपैथीज। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ए मॉडिफाइड GSS शुड बी यूज टू इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, पुपुलर साइज, शेप, सिमेट्री, रिस्पॉन्स टू लाइट, प्रोवाइड वैल्यूएबल क्लूज, ब्रेन स्टेम एंड थर्ड नर्व डिसफंक्शन, अननेचुरल पुपुलरी डिसफंक्शन इज कॉमनेस्ट पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड एनसेफेलोपैथी, ओक्यूलोमोटर नर्व कंप्रेस फॉर्म, इप्सिलेटरल अनकल हर्निएशन, प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल एक्सटर्नल ऑप्थल्मिनिया सजेस्ट विक्रफि स्टॉप, ब्रेन स्टेम एनसेफेलाइटिस इन एसोसिएट विद एमनिमोनी स्पेशली वैन एसोसिएट विद अटेक्सिया। स्टेप सेकेंड्स में चल रहे हैं, पर्सनैलिटी चेंज, कन्फ्यूजन एंड डिसऑरिएटेशन, हर्पस सिम्प्लेक्स एंड सेफेलोपैथीज, पेशेंट्स ऑफ ओक्यूलोसेफेलिक यानी डॉल्स आईज, ओक्यूलोवेस्टिबुलर, कॉर्नियल, कफ, गैग रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सम कॉज ऑफ वायरल एनसेफेलाइटिस सच एज एंटरोवायरस 71, मम्स एंड रेबीज, एसोसिएटेड एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, एंटरोवायरस इन्फेक्शन, एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्वमेंट, पोलियोमाइलाइटिस, एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्वमेंट, एक्यूट डिसमिनेटेड एनसेफेलाइटिस ड्यू टू माइलाइटिस। स्टेप सेकेंड में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मायोक्लोनिक जर्क्स, सीन फ्रीक्वेंसी, एंटरोवायरस एनसेफेलाइटिस,
रेटिनल हेमरेज इज एन इम्पोर्टेंट क्लू ऑफ सेरेब्रल मलेरिया एंडेमिक सेटिंग. चाइनी मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन EB71 एंसेफेलाइटिस. स्टेप थर्ड, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. बेसिक इन्वेस्टिगेशन का CBC, ब्लड ग्लूकोज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, बिहेवियर LFT एंड RFT, ब्लड कल्चर, आर्टियल बल्स ABC एंड लैक्टेट, पेरिफेरल स्पीलियर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया, चेस्ट एक्सरे शुड बी आल्सो बी ऑब्टेंड. स्टेप थ्री में भी इन्वेस्टिगेशन, लंबर पंचर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जांचने के लिए साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ग्राम स्टेन, जेल सेंसन स्टेन, एसिड फाज बेसिलाई, बैक्टीरियल कल्चर, लेटेक्स एगुलेशन, PCR, SH1, HS1 एंड 2, IgM एंटीबॉडी, जापानी एंसेफेलाइटिस फॉर डेंगू वायरस. कंसकरेंट ब्लड शुगर मस्ट बी मेजर टू लुक BCSF ब्लड शुगर रेशियो. 1 to 2 mL CSF शुड बी स्टोर्ड अदर वेरिकल स्टडीज. अब वाट इंपॉर्टेंस शुड बी जनरेट ऑफ LP. लंबर पंचर्स में नॉर्मल जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंसेफेलाइटिस को. इसमें ओपनिंग प्रेशर है अगर माने तो 10 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए. और बैक्टीरियल में हाई क्लोडी होता है नॉर्मल, वायरल में नॉर्मल से हाई और ट्यूबरकुलोसिस में हाई, हाई वेरी हाई. फंगल में कलर होता है क्लियर, बैक्टीरियल में क्लोडी होता है और वायरल में जीन क्लियर होता है, क्लोडी येलो क्लियर क्लोडी. सेल्स होती है इसमें 5 सेकम, हाई वेरी हाई होती है यानी, और स्टाइलिटी इंक्रीज हो जाती है स्लाइटली इंक्रीज यानी 500 से भी ज़्यादा, और नॉर्मल हाई जो रेंज रहती है 0 to 1000. डिफरेंशियल है इसमें लिम्फोसाइट्स, इसमें न्यूट्रोफिल्स, इसमें लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट. CSF प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 50 to 66%, इसमें लो होता है, नॉर्मल होता है, वेरी लो होता है, नॉर्मल. प्रोटीन इसमें होता है 0.45, अगर हाई है नॉर्मल हाई है, अगर 1.1 से 0.5 हाई है, अगर 0.2 से 0.0 हाई है. अब इन्वेस्टिगेशन में है न्यूरो इमेजिंग, क्या क्या करते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सेरिब्रल एडिमा, टेम्पोरल लोब हाइड्रो हाइपोडेंसाइटिस इन हाइपर सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस, थैलेमिक एब्नॉर्मलिटीज इन जेपेलर एनसेफेलाइटिस, बेसल एक्सुलेट एंड हाइड्रोसेफेलस इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मे आल्सो शो ब्रेन एनिएशन, इफेक्शन क्लेस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव कलेक्शन सच एज ब्रेन एब्सेंस एंड सबड्यूरल एम्फाइमा. थर्ड में कराते हैं इन्वेस्टिगेशन में स्कैन में MRI. हाइपर सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस, एबनॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ मेडिड टेम्पोरल लोब, सिंगुलेट ग्रेज एंड ऑप्टिमल सर्फेस ऑफ फ्रंटल लॉब्स. जापानीज बी एनसेफेलाइटिस, एबनॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी, थैलेमाई 87 to 94, सबस्टेनिया नाइग्रा एंड बेसल सिंगलिया, निफा वायरस, फोकल सबकोरल डीप वाइट मैटर विद ग्रे मैटर लीजन, स्मॉल हाइपरसेंसिटिव लीजन्स, वाइट मैटर कॉर्टेक्स पॉन्स, सेरिब्रो पोडिनल्स हैव आज बीन सीन. पेरिसेला मल्टीफोकल एबनॉर्मलिटीज इन कॉर्टेक्स, एसोसिएटेड सेरिब्रलिटीज, वैस्कुलिटीज एंड वैस्कुलोपैथी. एक्यूट डिसमिनेटेड एनसेफेलाइटिस, मल्टीफोकल एबनॉर्मलिटीज इन सबकॉर्टिकल वाइट मैटर, इन्वॉल्वमेंट इन थैलेमाई, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम आल्सो सीन. रोल ऑफ ब्रेन बायोप्सी इन एनसेफेलाइटिस, नो प्लेस इन इनिशियल असेसमेंट इम्यूनोकॉम्पिटेंट चिल्ड्रन. स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन बायोप्सी इंडिकेटेड व्हेन नो डायग्नोस्टिक आफ्टर फर्स्ट वीक, फीकल एबनॉर्मलिटीज इन इमेजिंग इफ द फाइंडिंग क्लोड चेंज इन चाइल्ड मैनेजमेंट, एन ओपन बायोप्सी इफ इमेजिंग शो नथिंग फोकल फ्रॉम द नॉन डोमिनेंट फ्रंटल लोब मे बी प्रिवेबल. स्टेप फोर, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेप्ट्रोजोन मस्ट बी गिवन विच कैन बी स्टॉप, नो एविडेंस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज फोर्थकमिंग. एम्पेरिकल एंटी मेटेरियल एंटीबेसिन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन थेरेपी मस्ट बी स्टार्टेड, देयर इज सस्पिशियस सेरिब्रल मलेरिया, दिस शुड बी स्टॉप, द पेरिफेरल स्मीयर एंड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नेगेटिव. स्टेप फोर, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, एसिक्लोविर मस्ट बी एन स्पोरेडिक वायरल सेंसिटिविटी, इट शुड बी स्टॉप एंड द अल्टरनेटिव डायग्नोस्टिक हैज बीन मेड. HSV PCR इन द CSF इज नेगेटिव एंड MRI इज नॉर्मल. डोज 10 mg/kg IV इन्फ्यूजन, वट ओरली 2 to 3 weeks. एसिक्लोविर रेसिस्टेंस केसेस, फेसोसिएंट इन ओनली ड्रग अवेलेबल. कोर्टिस्टेरॉइड शुड बी नॉट बी यूज्ड टोटल पेशेंट HSV एनसेफेलाइटिस. सेरिब्रल एडिमा, मेनिटोल 1 to 2 grams, ग्लाइकोसोरल ओरली, ड्यूरेटिक, स्टेरॉइड, इलेक्टिव हाइपरवेंटिलेशन.
स्टेप 5 सपोर्टिव केयर मेंटेनेंस इंट्रावेनस फ्लूड हाइपोटोनिक फ्लूड्स एग्जांपल आइसोलाइट पी मस्ट बी अवॉइडेड स्पेशली इन पेशेंट्स राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर मैनेजमेंट राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन यूग्लियासीमिया ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन सीजर अदर एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज शुड बी करेक्टेड मेसोकॉम्बिन इन्फेक्शंस मस्ट बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड प्रॉमप्टली स्टेप 6 प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन मेसोकॉम्बिन इन्फेक्शन एस्पिरेशन निमोनिया कोगुलेशन डिस्पेरेशन मायोकार्डियोसिसन ईवी 71 मिलियन अर्ली फिजियोथेरेपी स्टेप 6 प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या क्या है सर्वाइवल केसेस वेक्टर कंट्रोल रिडक्शन ऑफ मैन फैक्टर कॉन्टैक्ट वैक्सीनेशन एनसेफेलोपैथीज मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथीज एनसेफेलोपैथीज रेफर टू अल्टरेट मेंटल स्टेटस इंक्लूड डिसओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट इनटेंसिवनेस ऑफ एब्नॉर्मल स्टेट ऑफ एरोजन एनसेफेलोपैथी कैन कुड रिजल्ट फ्रॉम लैक ग्लूकोज विटामिन कोफैक्टर्स और ऑक्सीजन एंड डायोडिन फेलियर मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी रेफर्स टू क्लिनिकल स्टेज ऑफ ग्लोबल सेरिब्रल डिसफंक्शन इंड्यूस्ड बाय सिस्टमेटिक स्ट्रेस वेरिंग इन क्लिनिकल पेशेंट्स फ्रॉम माइल्ड एसोसिएटेड डिसफंक्शन डीप कोमा केनर विंसन के अनुसार मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी इटियोलॉजी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है हाइपर नेट्रीमिया हाइपरकैल्शियमिया हाइपरकैल्शियमिया हाइपोफॉस्फेटीमिया हाइपोमैग्नीशियमिया हाइपरमैग्नीशियमिया इनबॉर्न एरिथ्रोमेटोलिज्म ऑर्गेनिक एडिसिमिक यूरिया साइकिल डिसऑर्डर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोपैथी ऑर्गन फेलियर्स हेपेटिक एनसेफेलोपैथी यूरेमिक एनसेफेलोपैथी हाइपोक्सिक एंड हाइपरसेफेनिक एनसेफेलोपैथी एंडोक्राइन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एड्रेनल क्राइसिस हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वर्निक एनसेफेलोपैथी मिसल न्यूज राइस टू राइस सिंड्रोम्स हाइपरटेंसिव पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम डी वाइस इलेक्ट्रो एटीमिया रिलेटेड एनसेफेलोपैथी सोडियम लेस 120 mmol हाइपोनेट्रीमिया सोडियम मोर देन 160 mmol हाइपरनेट्रीमिया लैनोजाइड कैल्शियम लेस देन 0.5 mmol हाइपरकैल्शियमिया आइनोजाइड कैल्शियम मोर देन 3 mmol हाइपरकैल्शियमिया फॉस्फोरस लेस देन 0.5 mmol हाइपरफॉस्फेटीमिया मैग्नीशियम लेस देन 0.5 mmol हाइपरमैग्नीशियमिया एंड मैग्नीशियम मोर देन 2 mmol ऑफ हाइपरमैग्नीशियमिया हाइपरग्लाइसिमिक एनसेफेलोपैथी हाइपरग्लाइसिमिया ब्लड शुगर 50 ml से कम हो जाता है न्यूनेट्स में लेस देन 40 hours में और 60 ml कम हो जाता है आफ्टर 44 लाइफ में अगर ड्यू टू बर्थ वेट सेप्सिस हाइपरइंसुलिनिज्म इनबॉर्न एरिथ्रोमेटोलिज्म ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एड्रेनल इनसफिशिएंसी एंड मेडिकेशन सिम्टम इन दिस पेशेंट इंक्लूड लेथार्जी हेडेक सीजर्स एंड अल्टरेट सेंसोरियम लेबर एरर्स विद मेटाबॉलिज्म क्लिनिकल क्लॉज न्यूरोलॉजिकल लेथार्जी कोमा पोर सकिंग एपनिया माइक्रोक्लोनिक सीजर्स हाइपोटोनिया इनवॉलेंट्री मोमेंट्स हिपकस फास्ट ब्रीथिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेपेटोस्पिनोमेगेली कोलेस्टेटिक ग्लूंडिस अदर्स हाइपोथर्मिया सेप्सिस लाइक प्रेजिटेशन विद नो रेस्पॉन्स नो एंटीबायोटिक्स एनो यूरिन ऑडोर डिसमॉर्फिक फीचर्स हाइड्रोफिले वर्निकल एनसेफेलोपैथी वर्निकल एनसेफेलोपैथी एक एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो क्लिनिकल ट्राइड ऑफ ऑप्थोमेसिस विद निस्टग्मस एटैक्सिया एंड कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट करती है दिस इज ए लाइफ थ्रेटिंग इलनेस होती है कॉज बाय थियामिन डेफिशिएंसी विच प्राइमरी इफेक्ट द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कलेक्शन किया गया है एनसेफेलोपैथी को मेमोरी डिस्टर्बेंसन अटैक्सिया और ऑप्थाल्मोप्लेगिया आर नॉट ऑब्जर्व इन मेजोरिटी ऑफ केसेस इटियोलॉजी हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में क्रॉनिक लिवर डिजीज इन्फेक्शन वायरल हेपेटाइटिस ए बी ई सेप्टिसीमिया ड्रग्स में एसिटोफिनोन सोडियम वेलपोरेट कार्बोड टेट्राक्लोराइड विल्सन डिजीज ऑटोइम्यून लिवर डिजीज एक्यूट बट सैरी सिंड्रोम मेनिंजियोसिस ल्यूकीमिया हिस्टोकाइनोसिस एंड एक्स लिम्फोमा अब हेपेटिक एनसेफेलोपैथी वेस्ट ग्रेडिंग
फर्स्ट एक ग्रेट फर्स्ट में लैक ऑफ अवेयरनेस, डिक्रीज अटेंशन स्पान, इम्पैक्ट कैलकुलेशन और यूरोपियन एंजाइटी। सेकेंड में लेथार्जी ऑफ एपैथी, डिस्टिलेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, पर्सनैलिटी चेंजेस, इनोबरेटेड बिहेवियर, इम्पैक्ट कैलकुलेशन, हाइपर सोमियनसन, डिसोरिटेशन, स्टूपर, कोमा। अब रईस सिंड्रोम, ये क्या होता है? नॉन इन्फ्लामेटरी एंसेफेलाइटिस डेड डॉक्यूमेंट क्लिनिकली एंड अल्टरनेट इज कंसिस्टेंट सी एस एफ कंटेनिंग लेस देन इक्वल 8 ल्यूकोसाइट्स क्यूमिन और ए हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन डोमिनेटिंग सेरिब्रल एडिमा विदाउट पेरिवेस्कुलर और मेनिंजियल इन्फ्लामेशन। एपेटोपैथी डॉक्यूमेंटेड एन आइदर ए लीवर और बायोप्सी एंड ऑटोप्सी कंसिडर्ड टू बी डायग्नोस्टिक रईस सिंड्रोम। थ्री फोल्ड ऑफ ग्रेटर इंक्रीज दैन लेवल्स ऑफ ALT, AST और सीरम एमोनिया। नो मोर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द सेरिब्रल एंड हेपेटिक एबनोटीज। पोस्टीरियर रिवर्सल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन एडल्ट एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑफ वैरायटी एटियोलॉजी। यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेस ड्रग्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपर कैल्शीमिया, एक्लेम्सिया, थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पल्पेरा, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, वॉल हिपल लिंडुआ डिजीज एंड एक्सपोजर ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। पोस्टीरियर रिवर्सल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम पॉसिबल मैकेनिज्म इम्पेयर्ड सेरिब्रोवैस्कुलर ऑटो रेगुलेशन, एंडोथेलियम एडिमेज, एस्ट्रोजेनिक एडिमा। सिम्टम इंक्लूड हेडेक, वोमिटिंग, सीजर, लेथार्जी, सोमिनोल्स, स्टूपर, कोमा, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड फोकल मोटर डेफिसिट। मैनेजमेंट में पहला है जनरल मेजर्स, मेंटेन यूग्लाइसीमिया, करेक्ट डिसिलोक्ट्रसीमिया, इक्टोलाइटीमिया, इट आइडेंटिफाई एंड सप्लीमेंट थियामिन और अदर विटामिन कोफैक्टर्स। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन मस्ट बी चूजन एप्रोप्रिएटली। राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इफ आइडेंटिफाइड मस्ट बी मैनेज्ड एप्रोप्रिएटली। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट मैनेजमेंट में स्पेसिफिक मेजर एंड ऑर्गन सपोर्ट। द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी इनवॉल्व मेंटेन द ब्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड यूग्लाइसीमिया, प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट, डिक्रीज एंड ब्लड एमोनियम लेवल्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस मे बी यूजफुल ऑफ सेलेक्टेड केसेस विद रईस सिंड्रोम। मेंटेन द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सपोर्टिव मेजर्स ऑफ 10% डेक्सट्रोज, राइज ICP मैनेजमेंट एंड करेक्शन ऑफ हाइपर एमोनियम। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट में स्पेसिफिक मेजर एंड ऑर्गन सपोर्ट में एडिनल क्राइसिस, वॉल्यूम एक्सपेंशन विद IV फ्लूइड्स, करेक्शन हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइड्रोकोर्टिसोल 100 mg पर m2 day एंड इन्फ्यूजन ऑफ बोलस इन फर्स्ट 24 hours मे बी ग्रेजुअली टेपर्ड एंड ओरल मेंटेनेंस डोजेज। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डायबिटिक एप्रोप्रिएट इंट्रावेनस फ्लूड, इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड करेक्शन ऑफ डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया। अब इसके साथ में आपका टॉपिक की कंप्लीट होता है एनसेफेलाइटिस या एनसेफेलोपैथी। थैंक यू एवरीवन।